उसको कैसे मिले। एक विषय मैंने ये भी रखा था कि जब ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है तो क्यों ना हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर हम कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ इनबिल्ट व्यवस्था की। उसी प्रकार से सोलार सिस्टम को हम अटैच क्यों ना करें। अगर हम सोलार सिस्टम को उसके घर के साथ जोड़ देते हैं तो पुलिस परिवार का कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा। अगर उसका गर्म पानी का काम वगैरह सब अगर इसी लाइट से हो जाता है तो उसका खर्चा कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा। तो हम व्यवस्था ऐसी विकसित करें ताकि उस पर रहने वाला जो व्यक्ति होगा उसका भी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करने में हमारे मकान की रचना हमारी हाउसिंग सिस्टम ही उपयोगी हो। उसी प्रकार से एक सुझाव मैंने रखा कि हम अगर स्कोप हो सकता है सब जगह पर न हुई हो क्यों ना हम पुलिस हाउसिंग के अंदर किचन गार्डन की व्यवस्था करें और वहीं पर उस 30 परिवार 50 परिवार जितने मकान होंगे उनके लिए जो सब्जी चाहिए कुछ सब्जी वहां और वो भी ऑर्गेनिक सब्जी हो सकती है। अगर हमारा पुलिस परिवार इकोनॉमिकली उतनी स्थिति नहीं होती है मन मर्जी पड़े उतनी सब्जी वगैरह वो खा सकता है, उसके परिवार को जो न्यूट्रिशन व्यू पॉइंट से आवश्यकता है उसमें वेजिटेबल्स बहुत बड़ी अनिवार्यता है। अगर एक किचन गार्डन होगा और उस वेजिटेबल को उन्हीं परिवारों में बांटने की व्यवस्था वो अपने आप बना ले और वहां जो पुलिस परिवार की माताएं हैं बहने हैं वे अगर छोटा एक सखी मंडल बना ले और सखी मंडल बना करके उस किचन गार्डन को संभाले और अपना एक सिस्टम बना के ये 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 मंडे को ये इतनी सब्जी इस प्रकार की आई है चलिए चार घरों को पहुंच सकती है, दूसरे मंगल को इन चार घरों को, यानी न्यूट्रिशन की समस्या में भी समाधान हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो सकता है और अच्छा खाना उस परिवार को उसी हाउसिंग के साथ जोड़ सकते हैं। कुछ कॉमन फैसिलिटी विकसित कर सकते हैं क्या, बच्चों के खेल के लिए उनको प्रमोट कर सकते, यानी एक प्रकार से हाउसिंग वो सिर्फ चार दीवारों वाली व्यवस्था यहां तक सीमित मैं समझता हूं हमारा क्षेत्र न रहे। आप लोग मैं दो दिन चर्चा करने वाले हैं तब उन चार दीवारों से बाहर निकल करके पुलिस हाउसिंग यानी एक पुलिस परिवारों की सामूहिक जिंदगी को किस नजरिए से हम देखना चाहते हैं, उस सामूहिक जिंदगी में वो कौन से चीजें हम जोड़ना चाहते हैं ताकि उनके जीवन को हम उपकारक हो सके, अगर उस दिशा में हम प्रयास करते हैं मैं समझता हूं बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज्यादातर देखने में आता है कि महानगरों में इस काम को पूरा करना एक बहुत बड़ा तो कई एजेंसियों से निकल करके आना पड़ता है। अब जैसे हमने कोशिश की है कि क्यों ना पुलिस थाने के साथ साथ जब पुलिस थाने के लिए जमीन देते हैं तो उसके साथ छोटा मोटा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स उसी के निकट देने की संभावना बन जाती है। अब हम तलाशते रहते हैं क्या मल्टी स्टोरेज पुलिस स्टेशन बना करके नीचे पुलिसिंग का काम करने वाला थाना होगा और ऊपर मल्टी स्टोरेज हम अपना हाउसिंग की व्यवस्था करते हैं ताकि कई प्रकार से वो सुविधाजनक बन जाता है। तो ऐसी भी जैसे फायर ब्रिगेड में परंपरा ही है कि नीचे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होगी तो उसके ऊपर क्वार्टर की व्यवस्था रहती है उनके रहने की व्यवस्था बनी रहती है। तो ऐसी कुछ चीजें हम पुलिस हाउसिंग की व्यवस्था को सोचते हैं तो उसके साथ कैसे जोड़े वो अगर करते हैं तो हम काफी महत्वपूर्ण सेवा कर सकते हैं। गुजरात ने इन दिनों में कई और इनिशिएटिव भी लिए हैं, देशभर के पुलिस के मित्र आए हैं तो हो सकता है कि वो बातें उनके राज्य में ले जाने के लिए काम आ सकती है। वैसे वो राष्ट्रीय स्तर पर जब उनको किसी मीटिंग में जाने का अवसर मिलता होगा तो जरूर इन विषयों पर वो बातचीत करते होंगे। एक क्षेत्र जिसमें हमने पदार्पण किया है वो है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। कई वर्षों से हमारे देश में चिंतन चलता रहा है कि फलाने देश की पुलिस ऐसी है हमारे देश की पुलिस ऐसी क्यों है कितना क्यों है ऐसा ही होता है। दरअसल क्या है हमारी पूरी व्यवस्था में जॉब इस सेंटर में है, ह्यूमन रिसोर्स सेंटर में नहीं है। थोड़ा शिफ्ट करके ह्यूमन रिसोर्स और उसके लिए ये अगर हम थोड़ा एम्फेसिस बदल दें तो हम सारी स्थितियों को बदल सकते हैं।
और उस एक छोटे से विचार में हमने गुजरात में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को पैदा किया। पहले क्या होता था, कोई नौजवान जॉब की तलाश में है, सुबह अप्लाई करता है कहीं प्राइवेट की नौकरी के लिए, फिर पता चलता है कि वहां प्यून की जगह है तो वहां अप्लाई कर देता है, फिर शाम को पता चलता है कि नहीं वो उनको सेल्समैन की जरूरत है तो वहां अप्लाई कर देता है, इतने में पता चलता है पुलिस की भर्ती होने वाली तो वहां अप्लाई कर देता है। उसे मालूम नहीं कहां जाना है, क्यों जाना है मालूम नहीं, वो अपना चिट्ठी डाल देते हैं जॉब चाहिए, और अगर हाइट बॉडी ठीक है तो मेल बैठ जाता है, चलो भाई पुलिस में रिक्रूट कर, और फिर छह महीना जो भी पैर ऊपर नीचे करना ये करना और वो कपड़े पहन लेता है और वो सिस्टम में आ जाता है। आया था क्यों, जॉब के कारण, फिर उसने अपना गुजारा कर लेता है। क्या हम इसे प्रोफेशनलिज्म कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट रखा कि दसवीं या बारहवीं के बाद जिसका जीवन का तय है मुझे इस देश की सुरक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन को लगाना है, तो इससे वो आएगा, ग्रेजुएशन भी उसी में करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी में करेगा, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी उसके साथ साथ होती रहेगी, उसको कानून भी सिखाया जाएगा, उसको मॉब साइकोलॉजी भी सिखाई जाएगी, वो सारे विषय। अरे एक प्रकार से जो काम हम छह महीने में मुश्किल से उसको हाथ पैर हिलाना सिखा करके लगा देते हैं, ये तीन साल पांच साल के कोर्सेज करके एक ऐसा ह्यूमन मटेरियल हम लोगों के हाथ लगेगा जिसके कारण हम धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को बदलेंगे। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी हमारे यहां प्रारंभ की है, एक वर्ष हो चुका है, देश भर से लोग उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, और मैं तो पुलिस क्षेत्र के मित्र हैं, फैकल्टी के लिए भी अच्छे लोग समय देना चाहते हैं, गुजरात में निमंत्रण है आपको, आपके भी ध्यान में होगा भाई इस प्रकार के बहुत एक्सपर्टाइज है किसी के पास, हम जरूर उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में एक ऐसी इंस्टीट्यूशन दे, और ये देश के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ गुजरात पुलिस के काम के लिए नहीं करते, हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाहते हैं कि जिससे लोग, और उनका कैंपस इंटरव्यू होंगे, उनको कैंपस से लोग ले जाएंगे, भाई फिर गुजरात की रक्षा यूनिवर्सिटी से अगर हमको कांस्टेबल में भी ये लड़के मिलते हैं हमें चाहिए, हम ले जाएंगे, हम इतना तनख्वाह देने को तैयार है कि ले जाएंगे, ये होने वाला है, तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन ने रूप बदल दिया, अब हॉलैंड में बैठा हुआ एक इंसान कंप्यूटर के बटन पर उंगली डाल करके आपकी पूरी बैंक लूट सकता है, ये स्थिति बन चुकी है। अब ऐसे समय में पुराने तौर तरीकों से सबूत उपलब्ध कराना, उसको सजा तक ले जाना, ये इस क्षेत्र बदल चुका है, जिस प्रकार से हाईटेक गुना हो रहे हैं तो सबूत भी तो हाईटेक सिस्टम से ही लाने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशन, और उसी के लिए हमने फॉरेंसिक से साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। अब दुनिया में गुजरात की जो फर्स्ट स्टेट कि जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है दुनिया में कई, और आज दुनिया के कई देश गुजरात की फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ कोलोबरेशन के साथ पार्टनर बनकर के इस क्षेत्र में रिसर्च के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के भी राज्य आगे आए, भले आपकी जिम्मे पुलिस हाउसिंग का होगा, लेकिन जिस बेड़े के साथ आप बैठते हो, जिस बिरादरी में आप बैठते हो, उनसे बताएंगे। एक एक ये दो ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाले हैं जो आने वाले दिनों में देश की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है, उस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इस क्षेत्र में हम कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। जिस प्रकार से एक भारत सरकार कैसे इसको करे, आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, वहां भी इस कंस्ट्रक्शन की दुनिया के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, ये रोड भी बनाते हैं बड़े ही तरह के, क्या पुलिस हाउसिंग के काम के साथ इन इंस्टीट्यूशंस का भी कोऑर्डिनेशन की कोई व्यवस्था बन सकती है क्या? उनके पास बजट थोड़ा ज्यादा होता है, हेलीपैड में उनको रास्ते बनाने हैं तो बहुत बड़ा बजट दिया जाता है, उनके पास एक्सपर्टाइज भी अलग प्रकार की है, क्या हम उस रिसोर्सेज को इस अब कुछ ऐसे आर्मी के कुछ तो ऐसी जगह हैं कि साल में मुश्किल से वो 3 महीना काम कर सकते हैं ट्रेनिंग के प्रॉब्लम के, वो पूरा मैन पावर अनयूटिलाइज कभी कभी रहता है,
अब और राज्य हैं जिनको ये करना है, उसके बाद मैन पावर की कमी पड़ती है। अगर हम ये कोऑर्डिनेशन करें तो हो सकता है कम बजट में और पैसों की थोड़ी बचत करके भी हम पूरी व्यवस्था को अच्छी तरह विकसित कर सकते हैं। भारत सरकार इस पर सोचे कि ये जितने जितने इंस्टीट्यूशन हैं सामने इतनी बड़ी मात्रा में है, उसको अगर सब जगह पे उपयोग करने की व्यवस्था विकसित की जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। पूरे देश में पुलिस हाउसिंग हो, पूरे देश में सियाचिन तक जाने की चिंता करने वाली व्यवस्थाएं हो, ये सब होता हो, उसके बावजूद भी गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे फेंसिंग का मामला है। ये मैं मानता हूं सुरक्षा का एक बड़ी चैलेंज नहीं उठा सकते, खुद अपना उस प्रकार से बहुत ही ताकतवर, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट को काम दिया जाए तो उसकी क्वालिटी वगैरह की समस्या हो रही है। अगर इस प्रकार की चैलेंजिंग काम इस प्रकार के कॉर्पोरेशन क्यों हो रहा है, अपने दायरे से ऊपर उठ करके नई चीजें क्यों न करें, और धीरे धीरे यही कॉर्पोरेशन एक प्रोफेशनली, और हम गुजराती लोगों की जरा सोच थोड़ी अलग रहती है तो हम तो कभी शायद और भी कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दे हाउसिंग के माध्यम से, और भी डिपार्टमेंट को मकान बनाना शुरू कर दे, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है धीरे धीरे, उसमें जब नाफा होगा तो वो पुलिस वेलफेयर के लिए जाएगा। हर प्रकार की चीजों को कैसे जोड़ा जाए और उन कैसे आगे बढ़ाया जाए, मुझे विश्वास है कि मित्रों आप देश भर से आए हो, आपके एक्सपीरियंस मेरे प्रदेश को काम आएंगे, आपके अनुभव का लाभ हमें ज्यादा मिलेगा और हम सब भी कुछ न कुछ एक दूसरे से लेकर के अपने अपने राज्य में जाएंगे, हमारे साथी पुलिस मित्रों की जिंदगी बहुत अच्छी जाए, उसमें हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे और इसमें गुजरात की स्वर्णिम जयंती वर्ष का कंट्रीब्यूशन होगा, इसकी मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग तनाव यहां आपको भाई तुरंत सूचना नहीं आने वाली है कि भाई वहां ऐसी घटना घटी है, दौड़ना है आपको, आराम से दो दिन रह सकते हैं और ऐसे मौके पुलिस वालों को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हर कोई उनको ये तो रहता है यार कहीं ड्यूटी आ गई तो भागना पड़ेगा, तो पैसा ही ऐसा है, व्यवसाय ही ऐसा है कि उस प्रोफेशन में आता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे सारे मित्र कि कम से कम जितना समय आप रहें बिल्कुल निश्चिंत चैन और आनंद के साथ रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।